प्रयागराज कुंभ में अमित शाह ने आस्था की डुबकी लगाई और संगम घाट पर अमित शाह ने स्नान भी किया। सीएम योगी भी अमित शाह के साथ मौजूद रहे, साधु संतों के साथ संगम में स्नान किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कुंभ में साधु संतों से भी मिले अमित शाह। तो ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले ही स्नान किया बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पूरे विधि विधान के साथ, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और आगे के कार्यक्रम के अनुसार यहां पर पूजा पाठ का भी कार्यक्रम होना है, तो उसी की ये तस्वीरें कुंभ मेले से हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा के इंतजाम भी यहां पर चाक चौबंद कर दिए गए हैं क्योंकि कुंभ मेला अभी भी चल रहा है और आम श्रद्धालु भी यहां पर मौजूद हैं। तो कुछ देर पहले ही आस्था की डुबकी अमित शाह ने लगाई और अब यहाँ पर आरती हो रही है, आरती का कार्यक्रम चल रहा है। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं थोड़ी देर पहले की ये तस्वीर है, अमित शाह उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ। और ये अभी दूसरे विंडो में आप देख पा रहे हैं ताजा तस्वीरें जहाँ पर आरती का कार्यक्रम चल रहा है और कई सारे कार्यक्रम होने हैं। प्रयागराज के दौरे पर है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, उसी को लेकर के यहां पर ये तैयारियां आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर, संगम नोज पर पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाई गंगा में, इसके अनेक लाभ लिए और उसी के बाद पूजा पाठ का भी कार्यक्रम है। कई तरीके के कार्यक्रम आज होने हैं। प्रयागराज के दौरे पर हैं अमित शाह और कई मायनों में ये अहम भी माना जा रहा है। अहम इसलिए क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव काफी नजदीक हैं और आज जो साधु संत नाराज चल रहे थे राम मंदिर मसले को लेकर के, उनकी नाराजगी दूर करने की भी कोशिश करेंगे अमित शाह। तो दौरे की शुरुआत संगम नोज पर पहुंचे अमित शाह थोड़ी देर पहले, उसके बाद गंगा में आस्था की डुबकी लगाई, उनके साथ मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे और ये आगे के कार्यक्रम के लिए रवाना होते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को आप देख पा रहे हैं। प्रयागराज से सीधी लाइव तस्वीरें, अमित शाह थोड़ी देर पहले ही आस्था की डुबकी लगाई उन्होंने, उसके बाद आरती पूजा अर्चना की और अब आगे के कार्यक्रम के लिए वो रवाना हो रहे हैं। तो प्रयागराज की ये तस्वीर, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे यहाँ पर, अनेक लाभ लिए, गंगा में आस्था की डुबकी लगाई, उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्रयागराज के दौरे पर हैं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए गए हैं इस दौरे को देखते हुए और आगे के कार्यक्रम के अनुसार वो रवाना हो रहे हैं और ये आस्था की डुबकी लगाते हुए तस्वीरें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की। आज के दौरे की शुरुआत उन्होंने गंगा में स्नान करने से की, उनके साथ तमाम साधु संत भी आप देख पा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ यहां पर शामिल हुए और आस्था की डुबकी लगाई। तो तमाम साधु संतों के बीच, हर हर महादेव के जयकारे के बीच ये गंगा का स्नान यहां पर पूर्ण हुआ और उसके बाद पूजा पाठ भी हुई, आरती भी हुई और आगे के कार्यक्रम के लिए अमित शाह अब यहां से जा चुके हैं और कई तरीके के कार्यक्रम आज प्रयागराज में उनके होने हैं। कई मायनों में प्रयागराज का दौरा अमित शाह का अहम माना जा रहा है। साधु संतों की जो नाराजगी चल रही थी राम मसले को लेकर के, उसको भी दूर करने की कोशिश आज अमित शाह करेंगे और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो कुछ देर पहले ही प्रयागराज पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और सबसे पहले उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई, इसके अनेक लाभ लिए, तमाम साधु संत भी उनके साथ मौजूद रहे, हर हर महादेव के जयकारों के साथ एक बार फिर से प्रयागराज गूंज उठा और उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आप देख पा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी यहां पर मौजूद रहे और तय कार्यक्रम के अनुसार वो आगे के कार्यक्रम के लिए भी रवाना हो चुके हैं। कई तरीके के कार्यक्रम आज होने हैं, पूजा पाठ का कार्यक्रम है और उसके बाद साधु संतों से भी मुलाकात अमित शाह आज करेंगे और उनकी नाराजगी को दूर करने की कोशिश आज की जाएगी। तो कई मायनों में अमित शाह का प्रयागराज दौरा अहम माना जा रहा है। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले ये दौरा कई मायनों में अहम है। साधु संत लंबे वक्त से राम मंदिर को लेकर के, राम मंदिर की मांग को लेकर के नाराज चल रहे थे और उसी नाराजगी को दूर करने की कोशिश आज अमित शाह करेंगे।
सबसे पहले प्रयागराज में अपने दौरे की शुरुआत उन्होंने आस्था की डुबकी के साथ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। तमाम साधु संतों को भी आप देख पा रहे हैं। ये कुछ देर पहले की तस्वीर है जब अमित शाह प्रयागराज और जिस जगह कुंभ हो रहा है वहां पर पहुंचे, संगम नोज में पहुंचे और उसके बाद उन्होंने तमाम साधु संतों के साथ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आस्था की डुबकी लगाई और कई तरीके के कार्यक्रम आज होने हैं। दौरे की शुरुआत आस्था की डुबकी के साथ हुई, पूजा पाठ हुई, उसके बाद आरती भी हुई गंगा किनारे और अब आगे के कार्यक्रम के लिए वो रवाना हो चुके हैं। कई सारे अहम कार्यक्रम आज होने हैं। तो पूरे विधि विधान के साथ यहां पर अमित शाह ने आस्था की डुबकी लगाई, पूजा अर्चना भी की। जी मीडिया संवाददाता पवन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रयागराज से। पवन, क्या कुछ कार्यक्रम हमने देखा कुछ देर पहले की तस्वीर, आस्था की डुबकी लगाते हुए अमित शाह पूरे विधि विधान के साथ, अब क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है? और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और उनके साथ महेंद्र नाथ पांडे समेत कई बड़े नेता और कई अखाड़ों के महंत यहाँ पर पहुंचे थे। सभी ने एक साथ आस्था की डुबकी लगाई और उसके बाद पूजा अर्चना की। अब ये सभी लोग सरस्वती पूजा और अक्षय वट के दर्शन के लिए निकले हैं। उसके बाद ये हनुमान मंदिर जाएंगे और उसके बाद जो महंत देशानंद महाराज हैं उनके उनके पंडाल में एक दिव्य भोजन का, दोपहर के भोजन का आयोजन किया गया है जहाँ पर सभी अखाड़े के महंत मिल रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण मानी जा सकती है अमित शाह और महेंद्र नाथ पांडे और भी जितने नेता थे उनके साथ ये मुलाकात, क्योंकि 2019 को साधना ही साधना है। साथ साथ जो रुक्ष हैं, जो गुस्से में हैं साधु संत, उन्हें भी मनाने की एक कवायद हो सकती है ये। तो कहीं ना कहीं ये मुलाकात बहुत अहम मानी जा सकती है और जिसके लिए अमित शाह यहाँ पहुंचे थे। आस्था की डुबकी लगाई, शुरुआत भी उन्होंने कुंभ की थी, लेकिन आज आने का मकसद जो है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक मकसद की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अक्षय वट के दर्शन करेंगे, सरस्वती पूजा करेंगे, लेकिन उसके बाद जो सबसे अहम बैठक है अखाड़े के महंतों के साथ वो बैठक करेंगे और वहां सभी के साथ भोजन करने के साथ साथ जो वार्तालाप होगी वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाएगी। जी बिल्कुल पवन, आस्था के साथ साथ यहाँ पर राजनीतिक मकसद तो देखने को साफ तौर पर मिल रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले प्रयागराज का अमित शाह का ये दौरा कई मायनों में अहम है। लंबे वक्त से साधु संत नाराज भी चल रहे थे राम मंदिर को लेकर के, हालांकि अमित शाह ने कहा कि मंदिर हम ही बनाएंगे। कई बार रह रहकर के भावनाओं को ठेस पहुंची है जो श्रद्धालु हैं। डिजाइन की भी बात कर दी जाती है कि इसी डिजाइन में राम मंदिर बनेगा, लेकिन नाराजगी तब दूर होगी जब बताया जाएगा और शुरुआत होगी राम मंदिर निर्माण की, लेकिन कोशिश आज अमित शाह करेंगे। पवन आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल आपकी आवाज मिल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए स्वामी अभिषानंद ने जी मीडिया से बात भी की है और इस एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने ये साफ किया है कि कुछ खेमे अलग हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं मानते तो हम क्या कर सकते हैं, हम बीजेपी के साथ हैं, हम पार्टी के साथ हैं, विचारधारा के साथ है। ये बात भी अभिषानंद स्वामी ने क्लियर की है और जी मीडिया से बातचीत करने के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि एक समागम है लोगों के पहुंचने के लिए। आज अमित शाह जो पहुंचे हैं और स्वामी अभिषानंद यहाँ जाएंगे, भोजन का कार्यक्रम होगा वहां पर, सभी को बुलाया गया है। तो आस्था का एक समागम है जिसे पूरा किया जा रहा है। जब जी मीडिया ने सवाल किया कि क्या जो 17 को कुछ महंत और कुछ अखाड़ों के लोग मूव करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं इधर की तरफ, तो उस पूरे सवाल के जवाब में स्वामी अभिषानंद ने यही कहा था कि देखिए हम इस विचारधारा के नहीं हैं, हम इस तरीके की सोच नहीं रखते हैं, हमारा कोई भी इस तरीके का लेना देना नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस बात से ये स्पष्ट होता नजर आया कि दो गुटों में बच चुका है, एक रुष्ट लोग हैं और एक पार्टी के साथ लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इस लोगों को मनाने के लिए जो अमित शाह की कवायद है वो लगातार जारी है। जिस तरीके से स्वामी अभिषानंद ने बातचीत में ही बताया कि वो उस पक्ष के साथ में नहीं है जो कूच करने की बात करता है, 17 तारीख को अयोध्या कूच करने की बात करता है, वो उस ग्रुप में नहीं है और वो पूरी तरीके से चाहते हैं कि जो भी हो सरकार के साथ मिलकर हो और उनके सहयोग के साथ हो। तो कहीं ना कहीं ये बातें दर्शाती हैं कि इस अखाड़े में दो गुट हैं जो पूरी तरीके से बच चुके हैं, एक जो पूरी तरीके से सरकार के कामों को लेकर विरोध में है और यही बता रहा है कि देखिए सरकार सिर्फ
जनता को बेवकूफ बनाने का काम करी है। इसलिए आप महंतो ने इस बात का अभीरा उठाया है कि वो राम मंदिर जाकर वहां बनवाएंगे, उसका शिलान्यास करेंगे। तो कहीं ना कहीं अमित शाह का ये दौरा बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों को साधने के लिए जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो नाराज है पार्टी की विचारधारा से। बिल्कुल, कई बार खुले तौर पर नाराजगी भी सामने आई है साधु संतों की राम मंदिर को लेकर के भावनाओं को ठेस पहुंचा, और साथ ही ये भी महसूस किया जा रहा है कि राम मंदिर को लेकर के साधु संतों को ठगा गया है। और नाराजगी दूर करने की अमित शाह बात जरूर कर रहे हैं पवन, लेकिन संविधान के दायरे में रह करके, और साथ ही मंदिर निर्माण की भी बात की जा रही है, लेकिन ये दोनों चीजें एक साथ अब मुमकिन कैसे, क्योंकि परिस्थिति काफी ज्यादा अब गंभीर हो चुकी है। साधु संतों की जो नाराजगी है वो खुले तौर पर हमने कई बार देखी है, और ये नाराजगी तभी दूर होगी जब मंदिर का निर्माण होगा। जी बिल्कुल, देखिए देखो सही कहा आपने, क्योंकि मंदिर के निर्माण का मुद्दा उस दिन से चला रहा है जब से बीजेपी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया था, जब वो स्टेज पे खड़े होकर ये चिल्लाते थे कि हम राम मंदिर का निर्माण करवाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन 5 सालों की सरकार में जो लोगों ने महसूस किया, साधु संतों ने महसूस किया, तो जो दूसरा गुट है वो ये कहते नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं हम ठगे से महसूस कर रहे हैं। हमारा जो हमारी जो डिमांड थी राम मंदिर का शिलान्यास होना, राम मंदिर का बनना, वो नहीं हो पाया। इसीलिए पार्टी की पूरी विचारधारा से जो दूसरा गुट है, जो रुष संत और अखाड़े के लोग हैं, वो इस बात को कहते नजर आ रहे हैं। तब हम जो है हम यहाँ पर अब यहाँ से हम पूछ करेंगे, और अब पूरा जिम्मा जो साधु संत उठाएंगे। इसके साथ साथ जो धर्म संसद थी, जो शून्य परिषद थी, उससे भी साधु संतों ने खुद को अलग कर दिया था। जो शून्य परिषद की किसी भी धर्म संसद में नहीं पहुंचे साधु संत, और उन्होंने पूरी तरीके से बॉयकॉट किया है। तो जो पीड़ा सरकार के पास मैसेज जा रहा है वो यही मैसेज जा रहा है कि पूरी तरीके से जो साधु संत अखाड़े के लोग हैं वो नाराज हैं, और अगर राम मंदिर पर मुद्दे पर कोई नहीं हुआ तो शायद ये उनके लिए उपकारी नहीं होगा। सही कहा पवन, बिल्कुल आपने। अब देखना होगा कि इस नाराजगी को दूर करने की कोशिश में अमित शाह कितने सफल हो पाते हैं। बहुत शुक्रिया पवन आपका इस तमाम जानकारी के लिए।